हमारी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर मांग है कि पाकिस्तान का इस दुनिया के रक्षे पर से नामो निशान बिठा दिया जाए। अब हमें निंदा नहीं चाहिए, हमारी मांग है कि एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं चाहिए। 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में करारी शिकस्त खाने वाला ये पाकिस्तान अब छद्मवेश में हमारे ऊपर हमारी पीठ पर छुरा घोंपने में लगा हुआ है। लगातार भारतवर्ष में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, हमारे युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण देकर हमारे विरुद्ध काम में ले रहा है। कल की जो घटना हुई है सीआरपीएफ के कैंप पर, सीआरपीएफ की बटालियन पर जो आतंकी हमला किया गया, 42 हमारे जवान शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस आतंकवाद को इस दुनिया के नक्शे पर से मिटा दिया जाए। ये पाकिस्तान नासूर है, इसको समाप्त कर दिया जाए। ये प्रेम और मित्रता की भाषा नहीं समझेगा, इसको जो है अब करारा जवाब देने का समय आ गया है। बिना एक पल भी गवाए इस पर तुरंत आक्रमण किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। आज हमने पाकिस्तान का झंडा जलाया है, सभी ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है। देश के सभी जिला केंद्रों पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर आतंकी हमला किया है, निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या की है, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई की जाए और उनकी जो निर्मम हत्या कर रहा है उसका बदला हत्या के रूप में ही लिया जाए, ताकि जब भी पाकिस्तान नित्य रोजाना नए नए इस तरह के कांड हथकंडे अपनाता है और हमारे भाइयों की हम लोग जो शांतिपूर्ण रवैया अपना रहे हैं वो शांतिपूर्ण रवैया से काम नहीं चलने वाला। अब हम उसका कठोर रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने की हमारे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को कहते हैं। अलका गौड़, प्राण सहयोगी का मातृशक्ति। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में आज निर्णय लिया है कि सभी जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर भारत सरकार से मांग की जाएगी कि जो कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, साथ में स्थानीय लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है उन सबको नेस्तनाबूद करके स्थानीय लोग जो इसमें शामिल है उसके ऊपर भी आतंकवादी की तरह कार्रवाई करके उसको नेस्तनाबूद किया जाए। हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि तुरंत इस पर फैसला लेके पाकिस्तान को पीओके खत्म करके और भारत की कहानी आज़ाद कर दी जाए। सत्यनारायण भंसाली, महानगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, अजमेर।